एक चीज़ बहुत गंदी फील हो रही है, जब मैं शादी के लिए वो कलश अलस लेने गया तो मतलब जल्दी जल्दी में मैंने वही भैया की दुकान से ले लिए, बट जब मैं थोड़ा आगे चला तो मैंने एक शॉप पे देखा कि एक बूढ़े अंकल और आंटी बैठे हुए थे, और वो मतलब हम ही लोगों की तरफ देख रहे थे, तो उस टाइम बहुत गंदा फील हुआ। तो प्लीज़ गाइज, आपके अगर किसी की मैरिज हो या कहीं भी कलश अलस की ज़रूरत हो तो आप लोग उन अंकल आंटी से एक और ज़रूर कलश लें प्लीज़, क्योंकि उनकी आंखों में आज कुछ ऐसा देखा मैंने जो मतलब बहुत गंदा फील हो रहा है उनके लिए। तो प्लीज़ मैं आप लोगों को उनका एड्रेस बता दे रहा हूँ दुकान का, जो ये चौगोजी रोड है, चौगोजी रोड पे जो बैरिकेटिंग लगी हुई है वही बैरिकेटिंग से पहली दुकान है। अंकल आंटी दोनों लोग दुकान में बैठते हैं, काफ़ी बूढ़े अंकल आंटी हैं, तो प्लीज़ गाइज उन्हीं की शॉप से आप लोग जो भी कलश है और शादी के लिए जो भी सामग्री है, मिट्टी का बर्तन अर्तन जितने भी है, सब वहीं से खरीदे प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज गाइज। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, क्या हो रहा है? सुबह सुबह तुलसी माता के दर्शन, जय तुलसी माता की। यहाँ तो छत पे काफी खेती हो रखी है। सुबह सुबह कड़कती कड़कती धूप, सुबह सुबह सूर्य के दर्शन हो गए हैं भैया, और क्या चाहिए इस सर्दी में। पौधा है जिससे हाथों की उंगलियों में जो सूजन आ जाती है वो सही हो जाता है, तो वो ही लेने आए हैं आज, देख सकते हैं आप। ये रहा वो पौधा, ये देखिए, ये लेके जाना है। कीड़े मकोड़े बहुत हैं यहाँ पे, कीड़े मकोड़ा का डर है, बस यही तोड़ने हैं। ये रहे इटावा, सबसे ज्यादा सफाई वाले जिले में आता है, देखिए कितनी सफाई है इटावा में, इतनी सफाई तो कहीं देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ घर पे अमरूद खा रहे हैं तोड़ के, आप लोग भी देख लो अमरूद खाते हुए। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय बाय।